ओए सो हे गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे सपोर्ट करते रहना हमेशा मेरे को, और क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है तुम्हारी तरफ से एंड मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई एक नया गेम, एक नई जर्नी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ये जर्नी शायद सबको पसंद आए जस्ट बिकॉज हमारा ऐश बन चुका है चैम्पियन। इसी बात पे हम ऐश की रिवाइंड, उसकी जर्नी को हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो सपोर्ट दिखाना। एंड इससे काफ़ी मेरी यादें जुड़ी हुई है जस्ट बिकॉज ये गेम पूरा ऐश पे बेस्ड है, तो उसको खेलने का अलग ही मज़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटर तुम लेट हो, प्रोफेसर लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके मॉमी डोंट वरी, मैं हमेशा की तरह टाइम पे पहुंच जाऊंगा। टू 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 हे ओके तो गाइस हमारे पास क्या है अभी? कुछ नहीं है बाबा जी का। ओके तो हम सबसे बात नहीं करना चाहेंगे, हम इतने फैमिलियर नहीं है। ओ हमें मिल चुका है गैरी, और जो पता है हमको ये शो ऑफ करने वाला है, तब भी हम इसकी बातें सुननी पड़ेगी। सो पीटर तुम उड़ गए। तुम लेट हो लूजर, इट्स शेम बिकॉज मुझे मेरा बेस्ट पोकेमोन मिल चुका है। और गाइस अपन को पता है उसे कौन सा पोकेमोन मिला है? दैट इज ब्लास्टोइस। कैच यू लेटर पीटर। ठीक है कोई बात नहीं, लेट है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, हम इतने भी लेट नहीं हुए। तो हमें ऊपर जाओ क्या, कहाँ जाओ? ठीक है पहले हम ऊपर ही जाते हैं। ए हम सही रास्ते पहुंचे। पीटर तुम लेट हो। ठीक है मैं लेट हूं, लेकिन ये बात सबको बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ऑल ऑफ द स्टार्टर्स पोकेमोन हैव बीन टेकन। वेल देयर इज वन लेफ्ट बट इट इज अ बाइट रिकलेस। ओके हमें पता है कौन सा पोकेमोन है, लेकिन हम उसको लेंगे। सो यू वॉन्ट पिकाजू द इलेक्ट्रिक माउस पोकेमोन। ठीक है ले लेते हैं। पिकाजू का नाम, हम इसका नाम डालेंगे, सोच रहा हूँ मैं नाम चेंज करने की, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं करते नाम चेंज। इट सीम दैट डज नॉट लाइक टू स्टे इन योर पॉकी बॉल्स, डोंट फॉरगेट टू चेक योर पॉकेट एक्स। ओके प्रोफेसर, पॉकेट एक्स एंड माई पॉकी बॉल्स। ए आई गेट माई 5 पॉकी बॉल्स। तो चलो पिकाचू चलो ना। ओ दैट्स नाइस। जुब 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 जुब, हमारी ड्रेस चेंज हो चुकी है कॉस्ट्यूम। एंड बाय प्रोफेसर, आई होप सो कि अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँगा तो तुम मतलब कि ऐश की मॉम। ठीक है इसको भी इग्नोर करते हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद गाइस तुम लोग समझ चुके हो। ओह शिट, ओह ओके थैंक्स गेम, तुमने बता दिया कि मेरे लैपटॉप में चार्जिंग कम है। तो गाइस गाइस जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड, मैं अभी आया, चार्जर लेके आ रहा हूँ, तो वेट करना। ओ आ गया मैं, बस आ ही गया। लो मैं आ गया, चार्जिंग पे लगा देता हूँ सबसे पहले। तो है गाइस लैपटॉप में खेलने का नुकसान एक ही है कि यू ऑलवेज नीड अ चार्जर विथ योर सेल्फ सो दैट तुम्हें कभी चिंता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके शायद मैं रुक के ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड लेट्स गो। तो क्या हमें मॉम से मिलना होगा? नहीं मिलते मॉम से, आगे चलते हैं। पर लो
ये तो हाँ तुम कैसे जा रहे हो पीटर? लुक लाइक यू गेट अ लवली पिकाचू. इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल जर्नी. आई कैन जस्ट टेल यू आर इन सच अ रश, सो आई डोंट हैव टाइम टू गिव यू दिस अर्लियर, बट यूज देम. हे, हमें मिल चुके हैं रनिंग शूज, तो थैंक्स मॉमी. माता जी, आपका खूब खूब धन्यवाद. अब हम जाते हैं आगे. टू 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 टू. जैसे कि हमें पता ही है कि हमें यहाँ पे पोकेमॉन कैच करने नहीं है. जस्ट बिकॉज गाइस, इफ यू डोंट नो कि ये है फायर एश, तुम्हें मैं याद दिला देता हूँ. और इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एश की पोकेमॉन. आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं. मैं काफ़ी सोचा कि मैं फायर एश खेलूँ कि नहीं खेलूँ. ओह, मैंने गेम को सेव कैसे कर लिया पता नहीं. एक मिनट, इन्हें क्या चाहिए? वेलकम टू विलेज इन सिटी, बी श्योर टू हेड टू द पोकेमॉन सेंटर टू हील योर पोकेमॉन. ओके, ठीक है, बताने के लिए खूब खूब आभार, बट टेंशन. ओ शिट, प्रिपेयर फॉर ट्रबल. Make it double to protect the world from devastation, to unite all the people within our nation, to denounce the evil of truth and love. Okay, ye phaltu sa dialogue. James, team, lock it. Hamari lambi hai height. Surrender karo ya karo humse fight. Match. Ab shayad hum inse battle hone wali hai guys. वैसे मिस्ट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. एक मिनट, मुझे लगा कि अपना वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही ज्यादा है. इलेक्ट्रिक बोल्ड करते हैं. ठीक है, लेवल 4 है एकेंस का. कोई बात नहीं, हम इसको हरा देंगे. वैसे तो एकेंस को रहना इतना इजी है. एंड जल्दी लाओ दूसरा पोकेमॉन, शायद वो अब जेसी का पोकेमॉन ना होगा. ओके, ये जेम्स का पोकेमॉन है. थंडरबोल्ट. ओह शिट, स्मोक. ठीक है, स्मोक इतना टेंशन लेने की बात नहीं है. पिकाचू हमारा स्ट्रांग है, इससे इतना भी स्ट्रांग नहीं है. लेवल 6. That's nice. Aha. भागो टीम रॉकेट, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे. हे नज़ोय, वैसे तो मैं तुम मुझे जानती होगी. क्या, नहीं जानती? कोई बात नहीं, कुछ मिनटों में तुम मुझे जान जाओगी. मतलब कि हम फिर मिलने वाले हैं, अभी नहीं बाद में. तो जैसे कि तुम जानते हो मैं बेरोन सिटी आ चुका हूँ. एंड यहाँ पे हमें एक जिम है, लेकिन वो जिम कोई काम का नहीं है कि वो जिम बंद है. एंड शायद हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट में आते हैं, एज आई नो दैट. तो अब हमारे फाइट शायद गैरी से होने वाली है, मे बी. नहीं, किधर जाना है अपन को वैसे? इधर ही जाना है ना. ओके, इफ यू डोंट चांस यू. थैंक्स बडी, तुम्हारे वजह से मैं आगे नहीं गया, वरना तो वैसे चले भी जाते तो कुछ नहीं होता. मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, आगे जाने का रास्ता ये पी रूट 2 मिल चुका है अपन को. एंड हम है वेरिडियन फॉरेस्ट में. ओके, इनसे बच के. एंड हमें चाहिए हमारा कैटरपी. हमारा कैटरपी हमें है यही कहीं मिलेगा. हे, ये ऐश का कैटरपी है. कैटरपी टेक, यस, हमें मिल चुका है कैटरपी. इसका निकनेम में क्या रखूँ? नहीं रखते निकनेम यहाँ, क्यों बताओ? क्योंकि सीरियसली, मैं अगर मैं कैटरपी का नाम रखूँगा, ओह शिट. आई थिंक मुझे पिकाचू को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे इसके लेवल इंक्रीज होगा.
क्या मैं कैटरपी को के इसका भी लेवल 4 है तो दैट्स नाइस। हमारी कोशिश रहेगी गाइस कि अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिकाजू को ट्रेन ना करें, या सही सुना नहीं ना करें। टैकल खेल खत्म। ए कैटरपी को काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ओके इतने भी अच्छे पॉइंट्स नहीं मिले, एंटीडोट मिला है, बहुत अच्छी बात। हमारे पास अरे हम अब शायद रिपल नहीं है ना यहाँ पे, रिपल मार्ट में भी अभी नहीं मिलेगा अपन को, पोकी मार्ट में। हमें मिला एंटीडोट, ये बहुत अच्छी बात है, हमें एंटीडोट मिलते जा रहे हैं जिससे कि लेवल 5 का और पिकाजू इसे हरा दे तो काफी अच्छी बात है। क्या मैं पोकेमॉन चेंज करूं? कर लेता हूं, इससे हमारा कैटरपी को भी थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। बस डर इस बात का है कि वीड्रेल कोई खतरनाक अटैक यूज ना करे। ठीक है अच्छी बात है, कैटरपी ओके दैट्स नाइस। ओह शिट, क्या तुम मुझसे बैटल करनी है? ओह ये तो वही बंदा है ना जो बोलता है कि तुम 9 सीखे हो एश। एंड इसके पास भी कैटरपी होता है, जैसे कि मैं बोला ही था कैटरपी इसके पास भी होता है, लेकिन इसका कैटरपी हमसे स्ट्रॉन्ग है हम जानते हैं, क्योंकि इसने पिकाचू को ही काफी अटैक कर दिया। ओके अगर इसका सेकंड पोकेमॉन कैटरपी होगा तो मैं चेंज करूंगा। ओके प्लेन आइस, नो हमें प्लेन आइस नहीं सिखाना है। सैंड एंड वीडल चेंज कर लेते हैं पोकेमॉन, थोड़ा रिस्की है गाइस क्योंकि मुझे नहीं पता कौन से लेवल का है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई रस नहीं तो कोई इश नहीं, मतलब कि कोई इवोल्यूशन नहीं, लेवल इंक्रीज नहीं। ओह शिट स्क्रीन शॉट, टैकल कैटरपी, ओह नो दैट्स वेरी 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 पॉइजन स्टिंग टैकल से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कोई बात नहीं गाइस, हमारे पास अभी भी थोड़ा टाइम है तो हम सही चल रहे। ओके अब शायद हमें पोकेमॉन चेंज करने का टाइम आ चुका है, और कैटरपी को भी कुछ पॉइंट्स तो मिलेंगे, मिलना भी चाहिए। जैसे कि गाइस मैं जानता हूँ कि तुम लोग का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, एंड ये एक एपिसोड है, इसके बाद शायद ही इसका एपिसोड आए, अगर इसको सपोर्ट अच्छा मिला तो ठीक, अदरवाइज मैं सो फिर भी खेलने वाला हूँ, शायद इसकी वीडियोस अपलोड ना करूँ, मे बी करूँ तो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप पे, अगर आप उसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो इस पर ज़रूर एक आराम से एक एपिसोड आएंगे इसके, वरना अदरवाइज तब भी मैं गेम को खेलूँगा ही, क्योंकि इस गेम को मैं जब मैं खेला था तो मोबाइल में खेला था, एंड उस टाइम पे काफ़ी अपडेट्स नहीं थे, ग्लिचेस थे, लेकिन अब ये गेम काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है, इसके बाद से इस गेम को मोबाइल में खेलने का अलग रहता है, लेकिन मैं इसको खेल रहा हूँ अपने लैपटॉप में तो खेल इट्स माय पीजी। ओह शिट हमारे पहले से ही है, तो गाइस इसका मतलब ये है कि हमें आगे प्राइमेप भी मिलेगा मे बी। यस या ऑफ कोर्स, कौन से लेवल का है? पिचियोडो मिल रहे हैं, एंड हम अपने पोकेमॉन्स में से वो, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेवल 7 का है, एंड जिस तरह से मैं पोकेमॉन मिल रहा है तो मुझको लगता है मैं सही जा रहा हूँ। ओके लेट्स ट्राई अवर पिचियोडो गस्ट अटैक।
Wow, that's super effective, man. That's nice. ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो दैट तुम्हें भी अच्छा लगे. व्हाट डू यू कॉल अ डेयर डेविल वीड्रिल हु डस स्टंट ऑन अ मोटरसाइकिल? व्हाट? पता नहीं क्या बोलेंगे उसको. शायद ये बता दे अगर मैं उसको हरा दूं तो, शायद. वरना गाइस आप लोग ये बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में. सीरियसली एक्चुअली मुझे कुछ दिनों पहले पता चला कि मैं कम्युनिटी टैब इनेबल हो चुका है, एंड इस बात में मैं काफ़ी शॉक था क्योंकि भाई ना ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं ना ही कुछ ऐसे कुछ. एंड देन फिर मुझे पता चला कि कुछ यूट्यूब की अपडेट्स है, ओके, जो कि अच्छी बात है. लेकिन उस कम्युनिटी टैब का मुझे अभी यूज़ करना अच्छे से नहीं आता, तो तुम अच्छे आइडिया बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं कम्युनिटी टैब में क्या पूछूँ तुमसे, कि वीडियो को कब अपलोड करना है, कि कौन से गेम अपलोड करना है, और सपोर्ट भी चाहिए थोड़ा. एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज. शायद अभी तक के हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, एंड लिटरली मैं भी वीडियो बीच में बंद कर देता डालना, लेकिन तब भी तुम्हारा सपोर्ट मुझे मिल रहा है. इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ यूनिक करूँ, लेकिन हाँ आई नो कि ये फायर एश कोई यूनिक नहीं है, बट जस्ट अ वे. मुझे ये गेम को खेलना था बहुत दिनों से, और तुम में से काफ़ी लोग को ये गेम पसंद है क्योंकि तुम्हें ये गेम काफ़ी बचपन में खेला होगा, और मैंने भी खेला था, और ऑफ कोर्स मेरा भी बचपन ही चल रहा है. लेकिन इस गेम को मैं करीब 4-5 साल पहले खेला था मे बी, और मोबाइल में, वो भी माय बॉय एमुलेटर में. तो समझ जाओ तुम लोग कि उसमें खेलना और एक पीसी में खेलना, मतलब कि दैट इज पर्सनल कंप्यूटर, एंड काफ़ी अलग बात होती है यार. एक अलग ही स्क्रीन, और एक ऊपर से ये गेम काफ़ी अपडेट हो चुका है, और उसमें भी अपडेट्स आते हैं इस GBA गेम में. और अगर तुम्हारी बात होगी कि तुम्हें ये गेम को डाउनलोड कैसे करना है, तो इसके लिंक्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है, तो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट. अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही हो डाउनलोड करने में, तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा. ओह दैट्स कूल. और शायद अब हमें मेटापॉड, यस मेटापॉड के लिए हम यूज़ करेंगे, या कैटरपी को मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि शायद हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाए, क्योंकि कैटरपी को इवॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है यार, और लेवल 5 का है भी ये. कितना टाइम लगेगा इसको हराने में? थोड़ा टाइम लगेगा. कोई बात नहीं, तो मैं ये वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी रखने वाला हूँ, मे बी 20 से 25 मिनट की, क्योंकि गाइज ये पहला एपिसोड है, और पहला एपिसोड इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें तुम्हारा रिस्पांस देखूँ मैं. अगर इसमें तुम्हारा रिस्पांस अच्छा आया हो तो देखो यार, तुम भी एच की गेम खेल देखना चाहते हो, एच की जर्नी को देखना चाहते हो, तो मैं वही कर रहा हूँ, और शायद मेरे को लग रहा है कि तुम इसे ज़रूर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे इस गेम को. इसे अभी हम काफ़ी गेम्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो मेगा एडवेंचर, एंड और कौन सा है, फायर रेड, हाँ, और भी एक दो गेम है. लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ गेम को मैं बीच में छोड़ दिया हूँ, क्योंकि गलती से मेरे उसके लिंक्स डेट हो गई थी फ़ोन से, हाँ आई नो. और अब मैं समझ गया हूँ कि अपनी गेम की सेव फाइल डिस्क्रिप्शन में देना, या फिर कहीं पे सेव करके रखूँगा, सो दैट मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए है ना. एंड हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि कुछ नया गेम आया हो तो कमेंट में बता दो यार, क्योंकि तुम भी खुश मैं भी खुश. और कुछ ऐसे गेम बताना जो कि मैं खेल पाऊँ, ज़्यादा भी हाई ग्राफिक्स के नहीं, जो भी हो 1-2 GB के आसपास. हाँ, तो तुम ये गेम को अपने मोबाइल लैपटॉप दोनों में खेल सकते हो, लैपटॉप बोले तो पीसी. ओह
ओके फाइनली बातें करते करते हारने में अलग ही मजा आता है। लेवल से बस इतने काफी पॉइंट बन गए। चलो ओह शिट, मेरे पास पहले से एक पोकेमोन है पिचियोडो, तो मैं तुम्हें क्यों ही कैच करूं? ये शायद लेवल 12 पे इवॉल्व नहीं, अभी इवॉल्व हो गया नहीं वैसे तो ये पिचियोडो। रूट 2 ओके, हम पहुंच चुके हैं पीटर शिडी। तो क्या तुम्हें देखना है कि जिम बैटल? नहीं ये शायद हम जिम बैटल ना, हम जिम बैटल सेकेंड एपिसोड में करेंगे। अगर इसमें आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो प्लीज, अगर तुम चाहते हो सेकेंड एपिसोड इसका है तो कमेंट करना कि वी वांट सेकेंड एपिसोड। ओके अदरवाइज हमें सो फिर कंटिन्यू करने वाला हूँ, इसलिए बता ही रहा हूँ तुम्हें। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय सभी का फैंस, अपना ख्याल रखना एंड आई नो यू आर नॉट अ किड बट मैं कह रहा हूँ टेक केयर बिकॉज ठंडी कुछ ज़्यादा ही है एंड अभी तो ठंडी की शुरुआत ही हुई है लेकिन अब इतनी ठंड लग रही है मुझको। तो लेट्स बाय एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्कूल की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी वीडियो अपलोड करने का, दैट इज़ वाई। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस प्लीज। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोज़ लाओ लेकिन पता नहीं क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्कूल एंड देन कोचिंग, तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता और ऊपर से मेरे को मन भी नहीं करता सीरियसली, जस्ट बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस मैन, क्योंकि तुम्हें वीडियो खेलना नहीं, खेलने के बाद तुम्हें वीडियो को एडिट करना है, देन वीडियो को एडिट करने के बाद तुम्हें उसको अपलोड करना है, तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इतना भी लंबा प्रोसेस नहीं है लेकिन हाँ मेरे को लगता है इतना लंबा प्रोसेस। और तुम जानते हो कि मेरी एडिटिंग कितनी बकवास है, तो मेरी शुरू की वीडियो देख रहे हो और अभी की वीडियो देख लो तो उसमें एडिटिंग तुम्हें कोई ना कोई चीज़ से इतनी थोड़ी अजीब लगेगी। तो ठीक है टाटा बाय बाय, काफ़ी बातें कर ली और मिलते हैं जल्दी।